हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द थेटैक्समित्रा। टुडे आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जीएसटी ऑडिट बाय टैक्स पेयर। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी ऑडिट, जीएसटी इंप्लीमेंट होने के बाद ये सबके लिए पहला ऑडिट हो सकता है। तो ये वीडियो आज के लिए और आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए रिक्वेस्ट है। दोस्तों, जीएसटी डिपार्टमेंट ने अभी सभी को जीएसटी ऑडिट के लिए नोटिस देना स्टार्ट कर दिया है। जो 2017-18 का आपका जीएसटी एनुअल रिटर्न आप सबने फाइल कर दिया होगा, तो उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने यहाँ पर ऑडिट भी स्टार्ट कर दिया है। तो इसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए, सेक्शन की और रूल के हिसाब से किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, डिपार्टमेंट कौन कौन सी चीज़ आपसे आइडेंटिफाई कर सकता है, ये सभी पॉइंट आज के हमारे इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको कहूँगा हाउ टू एक्ट पीरियोडिकली और बेस्ट अप्रोच टू हैंडल द ऑडिट। जी हाँ दोस्तों, एक किस तरह से आपका एक अप्रोच बना सकते हैं ऑडिट को अच्छी तरह से हैंडल करने के लिए। तो यहाँ पर जो जीएसटी डिपार्टमेंट नाउ सेंड द नोटिस टू कंडक्ट द ऑडिट, सबसे पहले हम बात करें तो सेक्शन 65 जो CGST और SGST एक्ट, जो डिपार्टमेंट को ये अथॉरिटी देता है ऑडिट करने के लिए, सेक्शन 65, नाउ टाइम टू रेक्टिफाई द एरर मिस्टेक एंड टेक करेक्टिव एक्शन बिफोर द ऑडिट। दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए एक टाइम है कि आपकी जो भी मिस्टेक है, कोई भी एरर है, तो उसके लिए उसको आइडेंटिफाई करें और उसके लिए करेक्टिव एक्शन पॉइंट आपको लेना है तो आप ले सकते हो, क्योंकि अभी गवर्नमेंट कभी भी ऑडिट आपका स्टार्ट कर सकता है। इट इज़ अ गुड टाइम टू रिव्यू द स्टैंड टू टेक द ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST एंड कॉम्प्लायंस डन अंडर द GST। जो जो आपने कॉम्प्लायंस थे आपके शुरू से जब से GST इम्प्लीमेंट हुआ है, ये सभी पॉइंट को आप रिव्यू कीजिए और उससे हो सकता है कि कुछ आपका कोई बड़ा टैक्स यूज टैक्स सेविंग अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स विच आर जनरली सॉल्ड बाय द डिपार्टमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो डिपार्टमेंट आपसे मांग सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट यही आपके लिए कि GST इम्प्लीमेंट होने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट जो मैंडेटरी है, जो आपको मेंटेन करना है GST में। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे, GST अथॉरिटी हैव स्टार्टेड टू सेंड द नोटिस फॉर ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स जो आप मेंटेन करते हैं, जो रजिस्टर्ड पर्सन GST लॉ के अंदर जिसको गवर्नमेंट ऑडिट करेगा आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स को। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सच ऑडिट GST ऑडिट डिपार्टमेंट रिक्वायर टू वेरियस रिकॉर्ड एंड इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू वेरीफाई, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसको गवर्नमेंट वेरीफाई कर सकती है, वेदर सच रजिस्टर्ड पर्सन हैज कंपाइल्ड टू वेरियस प्रोविजन ऑफ GST लॉ। GST लॉ और प्रोविजन में जो डिफाइन किया गया है, जो डॉक्यूमेंट्स जिसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट जो है, सबसे पहला है कॉपीज ऑफ वेरियस रिटर्न फाइल। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने GST शुरुआत से जो भी रिटर्न फाइल किए, तो वो सभी रिटर्न की कॉपीज आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि GSTR 1 है, GSTR 3B है और GSTR 9 जो आपका एनुअल रिटर्न है, और ऑडिट रिपोर्ट है आपका GSTR 9C। तो रिटर्न की बात करें तो जो आपने रिटर्न, ये इंपॉर्टेंट चार रिटर्न है जिसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए, जो आपके GSTR 2A भी एक इम्पोर्टेंट है, जो आपका रिकन्सिलेशन हर साल का, हर महीने का आपके पास रिकन्सिलेशन भी रेडी होना चाहिए। सेकंड है इम्पोर्टेंट जो है बैलेंस शीट। जी हाँ दोस्तों, अभी GST इम्प्लीमेंट होने के बाद बैलेंस शीट भी एक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो सकता है GST ऑडिट के लिए, जिससे पूरा वेरीफाई होगा आपका ITC एक्सपेंस और जो भी टर्नओवर आपकी बैलेंस शीट से मैच होगी डिटेल्स, एनुअल रिपोर्ट आपके बिजनेस का उसकी कॉपी और इनकम टैक्स रिटर्न की भी कॉपी यहां पर आपको सबमिट करनी पड़ेगी। फॉर्म 26AS जो आपका इनकम टैक्स का है उसको भी आपको सबमिट करना पड़ेगा GST ऑडिट के टाइम पे। नाउ थर्ड इम्पोर्टेंट इज इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, GST में फॉर्म 3CA और 3CD एंड 3CEB, वन मोर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट,
जो एप्लीकेबल है आपके केस में, तो उस केस में इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट भी आपको देना पड़ेगा। एंड फोर्थ इम्पोर्टेंट, रिकंसिलेशन बिटवीन द टर्नओवर रिपोर्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट विद द टर्नओवर रिपोर्टेड इन जीएसटीआर 1, 3B एंड फॉर्म 26AS। जी हाँ दोस्तों, टर्नओवर जो आपने अपने बैलेंस शीट में प्रॉफिट से लॉस स्टेटमेंट के अंदर जो आपने रिपोर्ट किया है टर्नओवर, वो टर्नओवर आपके जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B और जो इनकम टैक्स का फॉर्म है फॉर्म 26AS, यहाँ पर तीनों जगह से वेरीफाई होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स। और उसके बाद जो रिकंसिलेशन मांगा है, लायबिलिटी पेड अंडर द रिवर्स चार्ज। या दोस्तों, रिवर्स चार्ज में आपने जो भी लायबिलिटी पे की है, चार्ज विच कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिवर, जो भी आपके खर्चे हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपके बुक होने चाहिए। और गवर्नमेंट ये भी वेरीफाई कर सकती है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ ऐसे एक्सपेंस है जिसके अंदर आपकी लायबिलिटी बन रही है जीएसटी की, लेकिन आपने पे नहीं की, तो उसको भी आपको आइडेंटिफाई करना है। ये सभी चीज़ आपको प्रायोरली आइडेंटिफाई और रिव्यू करनी है दोस्तों। नाउ 6 point इज रिकंसिलेशन बिटवीन द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड बाय द असेसी विद द इनवॉइस बीइंग रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर 2A। जी हाँ दोस्तों, ITC जो आपने अवेल्ड किया है, जो GSTR 2A में ITC शो करे, जिसके बेस में आपने टोटल ITC अवेल्ड किए, वो सभी इनवॉइस की कॉपी आपके पास, जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ITC रजिस्टर मेंटेन बाय द असेसी अलोंग विद इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड कैश रजिस्टर। जो आपका ITC रजिस्टर है वो इलेक्ट्रॉनिक कैश क्रेडिट और कैश रजिस्टर मैच होना चाहिए। कॉपीज ऑफ इनवॉइस इश्यूड बाय द असेसी, मतलब कि आपने जो भी सेल्स किया है वो सभी सेल्स के इनवॉइस की एक सपोर्टिंग कॉपी आपके रिकॉर्ड में होनी चाहिए। कॉपीज ऑफ इनवॉइस ऑन विच ITC अवेल्ड, जो आपने ITC अवेल्ड की है वो इनवॉइस की एक कॉपीज आपके पास अवेल्ड होनी चाहिए, यानी कि इनवॉइस इश्यूड और ITC अवेल्ड की है वो ITC के इनवॉइस दोनों आपके पास रिकॉर्ड में होने चाहिए, सेल्स और परचेज। 10 इंपॉर्टेंट इज सैम्पल कॉपी ऑफ वर्क ऑर्डर परचेस ऑर्डर एग्रीमेंट एंटर इनटू द असेसी, जो भी आपके बायर और सेलर के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, जो परचेस ऑर्डर है, उसकी कॉपी भी आपके पास रिकॉर्ड में होनी चाहिए, जो कभी भी डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई प्राइस के रिगार्डिंग वेरीफाई करने के लिए मांग सकता है। नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द कंपनी, ये कॉमन डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है डिपार्टमेंट की। नाउ सेक्शन 65 जो कहता है CGST एक्ट 2017, तो उसके रिगार्डिंग सिमिलरली सेक्शन 65 ऑफ SGST और CGST, ये दोनों कहता है कि गिवन अथॉरिटी टू कमिश्नर और द ऑफिसर ऑथोराइज बाय हिम, यानी कि कमिश्नर और या तो फिर कमिश्नर जो भी GST ऑफिसर को ऑथोराइज करता है वो कर सकता है GST ऑडिट रजिस्टर्ड पर्सन का। जो पीरियड है GST ऑडिट का, तो वो है रूल 101 में डिफाइन किया है कि प्रोवाइड द ऑडिट कैन बी कंडक्टेड अंडर सेक्शन 65 फॉर फाइनेंशियल ईयर और अ पार्ट देयर ऑफ और मल्टीपल फाइनेंशियल, यानी एक फाइनेंशियल या फिर मल्टीपल फाइनेंशियल या तो कोई पर्टिकुलर पीरियड के रिगार्डिंग आपको ऑडिट करना, ये रूल 101 में डिफाइन है सेक्शन 65। प्लेस ऑफ ऑडिट आइदर द प्लेस ऑफ बिजनेस हो सकता है या तो फिर अपने ऑफिस से भी डिपार्टमेंट कर सकता है। टाइम लिमिट टू कंप्लीट द ऑडिट, डिपार्टमेंट विद कंप्लीट 3 months का टाइम है, लेकिन उसको कमिश्नर मैक्सिमम 3 months के लिए उसको फर्दर एक्सटेंड भी कर सकता है विद राइटिंग रीजन के साथ। यहाँ पर जो कंक्लूजन ऑफ ऑडिट है, यानी कि ऑन कंक्लूजन ऑफ द ऑडिट ऑफिसर हैज टू इन्फॉर्म द ऑडिट विद इन 30 days, 30 दिन के अंदर आपको ऑडिटी आपको अपना रिपोर्ट देगा, यानी कि फाइंडिंग ऑफ द ऑडिट हिज राइट एंड ऑब्लिगेशन रीजन फॉर सच फाइंडिंग, क्या क्या कुछ पॉइंट निकलते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन देगा और किस क्या रीज़न है तो उसको रीज़न भी आपको डिफाइन करेगा। इश्यू और शोकॉज नोटिस, अगर कुछ ऐसे रीज़न निकले जिसके कारण डिपार्टमेंट आपको शोकॉज नोटिस भी इश्यू कर सकता है। इफ द ऑडिट रिजल्ट डिटेक्टेड द टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट टैक्स पेड, ITC रॉन्गली अवेड और यूटिलाइज, ऐसे कोई भी पॉइंट उनको आइडेंटिफाई कर सकते होते हैं तो वो आपको शोकॉज नोटिस दे सकते हैं। द प्रॉपर ऑफिसर में इनिशिएट एक्शन अंडर सेक्शन 73 और 74, यानी कि आपने शॉर्ट टैक्स पेड किया है, शॉर्ट टैक्स क्रेडिट ज़्यादा ले लिए या तो गलत ले ली है,
या तो यूटिलाइज भी आपने कुछ गलत कर दिया है तो वो डिफाइन है सेक्शन 73 और 7 सेक्शन 74 ऑफ सीजीएसटी ऑब्लिक एसजीएसटी एक्ट में ये डिफाइन किया है कि डिपार्टमेंट आपको सोकोस नोटिस दे सकता है। यहीं पे समाप्त कर दें हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो को शेयर कीजिए और आप हमको यूट्यूब ट्विटर और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।